नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में नाव के ऊपर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर में कला महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिक्षा पर चर्चा की और संस्थान की 3 साल की प्रगति आख्या भी महामहिम को पेश किया। सुल्तानपुर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड अपने घर पर बैठकर बनवा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अमेठी के जाफरगंज मंडी में किसानों के धान को अधिक से अधिक कीमत पर बेचने के लिए मंडी सचिव सर्वेश कुमार और एमओ संतोष कुमार ने बोली का आयोजन किया, जिसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा अपने फसल की कीमत मिल सके। अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र जगदीश में मौजूद सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल प्रबंधन ने 101 गरीब लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांटा। इस मौके पर तहसीलदार राहुल सिंह, प्रधान उतेलवा प्रतिनिधि राघवेंद्र तिवारी, प्रबंधक जुबेर अहमद और कुलदीप तिवारी मौजूद रहे। जौनपुर में किराकत तहसील सभागार में एसडीएम सुनील कुमार ने अधिवक्ताओं और तहसील परिसर के कर्मचारियों और लेखपालों के साथ संविधान दिवस के मौके पर संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और वहां पर मौजूद सभी को संविधान का महत्व बताया। जौनपुर में किराकत संघर्ष समिति के पदाधिकारी अनिल सोनकर गांगुली ने सदस्यों के साथ मिलकर एसडीएम किराकत सुनील कुमार को जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जर्जर पुलिया के निर्माण न होने पर हो रही घटनाओं के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिला अध्यक्ष सलीम वारसी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए किसानों की मांगों से अवगत कराया और इसके साथ ये भी बताया कि जिले में चल रही धान खरीद में लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रामपुर के मूड एंड फूड रेस्टोरेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की शाखा का आधिकारिक गठन किया गया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जमाल ए खान और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आजम मीर खान मौजूद रहे। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली इलाके में शादी के मौके पर दुल्हन घर में मेहंदी लगाकर बैठी रही, दहेज न मिलने से नाराज दूल्हा मौके से फरार हो गया, जिसकी शिकायत लेकर दुल्हन एसएसपी ऑफिस पहुंची। जालौन में उप जिलाधिकारी कोच ज्योति सिंह ने प्रभारी निरीक्षक कोच अरुण कुमार राय के साथ रवा में होने वाले ऐतिहासिक श्री राम कथा और श्री राम महोत्सव के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जालौन में कोच थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने पुलिस और पीएसी बल के जवानों के साथ कोच की मिली जुली आबादी वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की। जालौन के कोच तहसील के रवा और भेड़ गांव में श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव का भव्य आयोजन एमएलसी रमा निरंजन और उनके पति आरपी निरंजन की देखरेख में आयोजित हुआ, जिसमें विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। मेरठ में जिला बदर गैंगस्टर सलमान के वलीमे का आयोजन किया गया, जिसमें दुल्हा दुल्हन तो नहीं आए, मौके पर मेहमानों खाने का लुत्फ उठाया और पुलिस विभाग ने वलीमे के पूरे कार्यक्रम पर मुस्तैदी से नजर बनाए रखा। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी नगर की गल्ला मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे। महापंचायत में किसानों की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और Facebook, Instagram, X के जरिए आप हमसे जुड़े हैं, हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।